इसराइल और हमास के बीच युद्ध का आज 23वां दिन है। हर तरफ तबाही का मंजर है, लेकिन युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीन के समर्थन में बड़े पैमाने पर यूरोप, लंदन, रोम और बर्लिन में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। ये प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी पर अपने हवाई और जमीनी हमले को बढ़ा दिया है। यही कारण है कि फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। लंदन की सड़कों पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार से युद्ध विराम की मांग करने के लिए एक बड़ी भीड़ को राजधानी के केंद्र से मार्च करते हुए देखा जा सकता है। ये प्रदर्शन फिलिस्तीन एकजुटता अभियान द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें समर्थक फिलिस्तीनी झंडे लहरा रहे हैं और कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत शिशुओं के पुतले भी ले जा रहे हैं। वहीं रोम और लाजियो के फिलिस्तीनी समुदाय द्वारा आयोजित रैली में लगभग 20,000 प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। उन्होंने फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए गाजा के समर्थन में नारे लगाए और कोलोसियम के सामने मार्च किया। इटली के कई क्षेत्रों से लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके चलते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसी बीच लगभग 10,000 फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी की आजादी की मांग को लेकर बर्लिन के क्रुजबर्ग जिले में मार्च किया। इस दौरान भीड़ के बीच इजरायली और जर्मन सरकारों की आलोचना करने वाले सैकड़ों झंडे और चिन्ह देखे जा सकते हैं। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजरायल पर घातक हमला किया गया, जिसके बाद से ही इस भयावह युद्ध की शुरुआत हुई।